हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैं सृष्टि में। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का सेशन हमारा खास होने जा रहा है क्योंकि आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। दोस्तों, ये हमारा पार्ट 29 है प्रॉफिट एंड लॉस पे, और इस सेशन दोस्तों हम लोग राकेश यादव बुक से क्वेश्चन नंबर 141 से क्वेश्चन 145 करेंगे। तो दोस्तों, यदि चैनल पे पहली विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। तो दोस्तों, अब हम सेशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये हमारा क्वेश्चन 141 है, तो हर क्वेश्चन पे आपको 30 सेकंड का समय दिया जाएगा, क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिएगा। तो आइए दोस्तों, बनाने का प्रयास कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन 141 रहा। दोस्तों, बहुत ही आसान प्रश्न है, एक बार प्रयास जरूर से जरूर कर लें। तो फ्रेंड्स, समय से साफ हुआ, आइए देखते हैं प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है। प्रश्न इस प्रकार है, एक्स ने एक घर वाई को 5% लाभ पर बेच दिया जिसकी कीमत 1,50,000 थी। यानी एक्स ने वाई को बेचा 5% लाभ पे, लेकिन जो वैल्यू कितना था घर का, तो 1,50,000 था। तो 1,50,000 को वो 5% लाभ किसको बेच दिया, वाई को बेच दिया एक्स। फिर वाई ने वह घर एक्स को बेच दिया वापस। वाई क्या करता है, एक्स को बेचता है वापस और 2% हानि बेच देता है। तो पूरे लेन देन में एक्स को कितना हानि हो रहा है, नुकसान हो रहा है, या हानि हो रहा है, लाभ हो रहा है, ये हमें निकालना है। दोस्तों, जब भी इस तरह का प्रश्न दिखेगा दोस्तों, बहुत ही आप आसानी तक सॉल्व कर सकते हैं। तो एक्स है और वाई है, एक्स है जो वाई को बेचा, फिर वाई है जो फिर एक्स को बेचा, ठीक है। यानी एक्स और वाई के बीच में ही आपको रिलेशन बनाना है। अब एक्स कितना में खरीदा है दोस्तों घर को, यानी कॉस्ट प्राइस कितना है, तो 1,50,000 दिया गया आपको। तो एक्स है जो कितना है, तो 1,50,000 दोस्तों दाम है घर का, जिसको Y को बेच देता है वो कितना पर लाभ बेचता है, तो 5% लाभ पर बेच देता है। दोस्तों, तो 5% का अगर फ्रैक्शन वैल्यू देखें तो 5% बाबा कितना होता है, 5×100 होता है, यानी कितना हो जाएगा, 1/20 हो जाएगा। यानी अगर हमारा जो कॉस्ट प्राइस अगर 20 है तो 1 का लाभ हो रहा है, यानी कितना हमारा बेच रहा है, तो 21/20 क्या हो गया दोस्तों, ये हमारा सेलिंग प्राइस हो गया। तो अगर 1,50,000 का 21/20 करेंगे तो हमारा वाई का वैल्यू निकल जाएगा, ये हमारा क्या निकल रहा है, 5% प्रॉफिट बेचेगा तो वो निकल जाएगा, कितना हमारा रुपया होगा, मूल्य हो जाएगा, ये निकल जाएगा। तो 1,50,000 का अगर हम लोग करते हैं 21/20 तो कितना आएगा हमारा, एक जो कैंसिल आउट हो गया, और दूसरे 14, 2×5 10 और 2×0, फिर 21×75 करते हैं दोस्तों, तो कितना आएगा हमारा, तो करके देख लेते हैं, 5×10 7×14, यानी 5, 7, 5, 1, यानी कितना आया दोस्तों, तो 1,57,000 कितना आएगा दोस्तों, 1,57,500 आएगा, कितना आएगा दोस्तों, 1,57,500 आएगा। अब वाई क्या करता है, वाई फिर एक्स को बेचता है, जो कि दोस्तों कितना परसेंट हानि बेचता है, तो हानि पे 2% हानि बेचता है, यानी 98% बेच रहा होगा। तो बस 1,57,000 का 1,57,500 का 98% निकालेंगे तो फिर से एक्स का वैल्यू निकल जाएगा कि कितना में वो बिका। तो अभी प्रॉफिट कितना कर रहा है दोस्तों, 1,50,000 है और 1,57,500 में बेचा, यानी प्रॉफिट कितना कर रहा है, 7,500 का हो रहा है। तो यहाँ प्रॉफिट 7,500 का हो रहा है एक्स को। फिर अब वाई क्या कर रहा है, फिर एक्स को बेच रहा है, तो कितना 98%, तो 1,57,500 का 98% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, निकालते हैं 1,575, 98 2×0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 98 सीधे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 8×5=40, 0×4=8, 7 कितना होता है, 8×7=56, 56×4=60, 0 फिर 6×8=45, 46, 6×4=8, 4=12, फिर 9×5=45, 5×4 9×63=63, 6×9=45, 45×6=51, 1×5=9×9=14, यानी कितना आ गया दोस्तों, 0,5,3,4,5,1, यानी 1,00,000। अब इसका वैल्यू कितना आ गया हमारा, 1,54,350। तो दोस्तों, यहां से अगर देखेंगे तो कितना का फायदा हो रहा है, कितना का, देखिए 1,50,000 में वो बेच दिया था 1,57,000 में, फिर 1,54,350 में खरीद लिया, यानी यहां से अगर देखें तो 7,500 का लाभ हो रहा था, अब फिर कितना का हो गया,
फिर 4,350 का उसको नुकसान ही हो गया, तो कितना का एक्चुअल लाभ हो गया, तो माइनस कर देंगे टोटल 7,500 का। यहाँ देख रहे हैं कि 1,50,000 था, यहाँ 1,57,500, यानी 7,500 का लाभ हो रहा है। और फिर वो X को बेच दिया तो फिर खरीद लिया 1,54,350 में, यानी कितना का लाभ हो रहा है, 4,350 का वो फिर से वापस ले लिया। 4,350 क्या किया, फिर से वापस ले लिया, यानी एक्चुअल प्रॉफिट कितना का हो रहा है, तो 7,500 में से 4,350 घटा देंगे तो वहाँ निकल जाएगी X को कितना लाभ हो रहा है, तो 0,0 ये 5 हो गया, 3×4 हो गया 3, यानी 3,150 आपका आंसर हो गया। तो कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों जो आपका राइट आंसर है। तो फिर से समझते दोस्तों इस प्रश्न को, देखिए एक्स है जो उसका घर था 1,50,000 का, वाई को बेच दिया 5% लाभ पे, यानी 105% पे, तो निकल गया कितना आया, 1,57,500 आया, तो कितना का प्रॉफिट हो गया, 7,500 का। अब फिर क्या करता है वाई, फिर एक्स को बेच देता है 1,54,350 पे, तो दोस्तों टोटल एक्स को कितना प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ 7,500 का प्रॉफिट हुआ था, और फिर एक्स खरीद लेता है तो फिर वो 4,350 तो फिर लगा रहा है, यानी उसको माइनस कर देंगे, यानी 3,150 रुपया का एक्स को फायदा हो रहा है पूरे लेन देन में। तो ये आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि इस जब भी इस तरह का प्रश्न लिखे आप प्रश्न लिखेगा आपको तो आप बना सकते हैं इसको। तो आइए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 142 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 143 करने जा रहे हैं, 142 करने जा रहे हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, फिर से आपको दोस्तों 30 सेकंड समय है, प्रयास कीजिए बनाने का क्वेश्चन को। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन एसएससी सीजीएल टायर 2 2015 में पूछा चुका है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आप बना सकते हैं, बहुत ही आसान प्रश्न दोस्तों, काफी बड़े बच्चे ऐसे प्रश्न को बना नहीं पाते हैं एग्जाम में। तो दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे इस प्रश्न को कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स समय साथ हुआ, आइए देखते हैं प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है। दोस्तों प्रश्न इस प्रकार है, पूजा को एक वस्तु बेचने पर 20% का लाभ होता है, यदि उसने वह घड़ी 10% कम में खरीदी होती और 30 रुपये कम पर बेची होती तो उसे 20% का लाभ हुआ होता, तो घड़ी का लागत मूल्य क्या है, यानी आपको कॉस्ट वाइज निकालना है। दोस्तों जब भी इस तरह का प्रश्न लिखे बहुत बार ऐसा एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, तो कैसे इसको बनाना है समझिएगा। यहाँ सीपी लिखिए यानी कॉस्ट वाइज लिखिए, रेशियो में एसपी यानी सेलिंग प्राइस लिखिए। अब सब चीज़ क्या हो रहा है दोस्तों, हम लोग एज्यूम करेंगे, मान लेते हैं कि हमारा जो सीपी है वो 100% है, 100 यूनिट है। अब बोल रहा है कि पूजा को एक वस्तु बेचने पर 20% लाभ होता है, तो 100 का 20% कितना होता है, 20 होता है, यानी 20% का लाभ हो रहा है, यानी सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 120 हो गया। ये सब दोस्तों क्या है, हमारा यूनिट में है, ये मैं से याद रखिएगा, यूनिट में है। अब बोल रहा है यदि उसने वह घड़ी 10% कम में खरीदी होती, यानी 100 का अगर 10% कम में, यानी 10 रुपया कम में खरीदी होती, यानी कितना में खरीदी होती, 90 रुपये में खरीदी होती, यानी 90 यूनिट हो गया। तो इसे दोस्तों क्या बोल रहा है कि और 30 रुपये कम में बेची होती, अब इसका बोल रहा है 30 रुपये कम में बेची होती, रुपया में है दोस्तों, कितना रुपये कम में बेची होती, तो 30 रुपये कम में बेची होती, ठीक है, तो उसे 20% लाभ हुआ होता। अब 90 का हमें क्या करना होगा, 20% निकालना होगा, तो 90 का 20% निकालेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, तो 90 का डायरेक्ट हम लोग 120% निकाल लेते हैं तो हमारा सेलिंग प्राइस निकल के आ जाएगा, तो 120/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, तो 12×9 कितना होता है, 108, यानी 108 यूनिट हमारा हो गया। अब दोस्तों समझिएगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले कितना बेच रहे थे, 120 में बेच रहे थे, अब जो हमारा कितना बेच रहे हैं, 108 में, तो हम लोग कितना का कम हो रहा है, वही दोस्तों जो कम है वो रुपया में आपको दिया गया है कि 30 रुपये कम में बेचे होते, तो यूनिट में कितना कम बेच रहे हैं, तो 120 और 108 है, यानी 12 यूनिट कम बेच रहे हैं, तो 12 यूनिट का वैल्यू दोस्तों कितना हो गया हमारा, 30 हो गया, रुपया में कितना हो गया, 30 हो गया। हमें क्या बोल रहा है दोस्तों, लागत मूल्य निकालने के लिए, जो कि कितना है हमारा, 100 यूनिट है, तो 100 यूनिट बराबर कितना हो जाए हमारा, 100 यूनिट बराबर, तो 30/12 अगुना में 100, 30 ना बोला था, ठीक है, 30 बटा में 12 अगुना में 100, तो कर लेते हैं दोस्तों कितना आएगा हमारा, तो अगर 6 से काटते हैं, 6×2 = 12, 6×5=30, फिर 2 से 150 बार में, यानी 50×5 करेंगे, यानी कितना आ जाएगा हमारा, 250 रुपया दोस्तों आंसर हो गया, यानी लागत मूल्य कितना था हमारा, 250 रुपया था। तो कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों जो आपका राइट आंसर है। तो जब भी ऐसा प्रश्न दिखा देता दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं कि आप इस प्रश्न को बना सकते हैं।
तो आइए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 143 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग अब क्वेश्चन 143 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन हमारे इस प्रकार है, तो फिर से आपको 30 सेकंड समय देते हैं, प्रयास कीजिए बनाने का क्वेश्चन को। दोस्तों जल्दी से जल्दी बनाइए, बहुत ही आसान प्रश्न है और ये प्रश्न हमारा एसएससी सीजीएल टायर 2 2015 में पूछा चुका है। तो दोस्तों समझिएगा दोस्तों कैसे इसको बनाना है। पहले क्वेश्चन देख लीजिए आप। तो दोस्तों समय से साथ हुआ, आइए देखते हैं हमारा प्रश्न क्या हो रहा है। यदि मोबाइल फोन रुपीज पी की दर पर बेचा जाए, यानी कोई मोबाइल फोन है जो पी रुपए में बेचा जा रहा है तो 12% का लाभ हो रहा है, और यदि क्यू रुपए में बेचा जा रहा है तो उसे 4% की हानि हो रही है। तो क्यू और पी का दोस्तों रेशियो पूछ रहा है, ये कितना अनुपात होगा। दोस्तों बहुत ही आसान प्रश्न है, आपको क्या करना है, मान लीजिए कि मोबाइल का जो कॉस्ट प्राइस लागत मूल्य कितना है तो 100 रुपया है। क्या मानिए दोस्तों, 100 रुपये, यानी 100% मान लीजिए, ठीक है, 100% मान लीजिए। अब दो चीज़ है, एक पी रुपया में बेच रहे हैं मोबाइल को और सेम मोबाइल को क्यू रुपया में बेच रहे हैं। तो पी रुपया में अगर बेच रहे हैं दोस्तों तो कितना का लाभ हो रहा है, तो लाभ दिया गया आपको 12% का लाभ हो रहा है, यानी 100 रुपया लागत मूल्य है और पी में बेच रहे हैं तो 12% का लाभ हो रहा है, यानी हमारा जो सेलिंग प्राइस हो गया वो कितना हो गया, 112 हो गया। अगर क्यू रुपया में बेचें तो हमें 4% की हानि हो रही है, जो कि दोस्तों क्वेश्चन में दिया गया है, तो हमारा जो सेलिंग प्राइस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। बस दोस्तों आपका आंसर आ गया। हमें किसका वैल्यू चाहिए, तो क्यू रेशियो पी का वैल्यू चाहिए, तो काट लीजिए आप। तो 96 अगर 112 काटते हैं दोस्तों, ये 96 हो गया और 112 तो किससे कटेगा, हमारा 12 से हो सके कट जाएगा, किससे कटेगा दोस्तों, 14 से कटेगा, 14 पे 70, 14 से 98 नहीं हो कटेगा, किससे कटेगा हमारा, 2 से काटते हैं तो देखिए 24 से कट जाएगा, क्या 24 चौको 96 देखिए 48 हो गया हमारा, ये 2 पे 10 12 हो गया, फिर कितना हो गया, 8 से 48 8 से 56, यानी 6 से 7 हो गया दोस्तों, ठीक है। तो कितना हो गया हमारा, 6 रेशो 7 हो गया, यानी क्यू रेशो पी कितना हो गया हमारा, क्यू रेशो पी तो 6 रेशो 7 हो गया। अब दोस्तों ये कितना हो गया, 16 से कट जाता है, 16 85 6 96 और 16 से 72, यानी दोस्तों 16 से कटा था डायरेक्ट, हम लोग 16 से काट देते थे, 16 से 96 और 16 से 72, यानी 6 से 7 हमारा आंसर आ गया। तो कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर आपका बी है दोस्तों, जो आपका राइट आंसर है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये प्रश्न जैसा है तभी दिखेगा तो आप बना सकते हैं इसको। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 144 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग अब क्वेश्चन 144 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन इस प्रकार है, तो दोस्तों फिर से आपको 30 सेकंड समय देते हैं, प्रयास कीजिए बनाने का क्वेश्चन को। दोस्तों यकीन मानिए बहुत ही आसान प्रश्न है और इस प्रश्न को दोस्तों आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, तो प्रयास जरूर से जरूर कर लें। और ये प्रश्न हमारा दोस्तों एसएससी सीएसएसएल डीओ एन एडीसी 2015 में पूछा चुका है। तो दोस्तों समय से साथ हुआ, आइए देखते हैं हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है। प्रश्न इस प्रकार है, कोई वस्तु 25% लाभ पर बेची जाती है, यदि बिक्री मूल्य दोगुना कर दिया जाए तो लाभ कितना होगा, यह हमें निकालना है। मान लेते हैं कोई हमारा वस्तु है, उसका लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस 100 यूनिट है, तो क्या बोल रहा है कि कोई वस्तु 25% लाभ बेचती है, यानी सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। अब हमें सेलिंग प्राइस को क्या कर रहे हैं दोस्तों, दुगना कर रहे हैं, तो दुगना कर रहे हैं, 125 का दुगना कितना हो जाएगा, तो 250 हो जाएगा। तो बोल रहा है कि प्रॉफिट परसेंट कितना है, यह हमें निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, तो प्रॉफिट परसेंट होता है दोस्तों प्रॉफिट बटा में सी पी और गुना में 100। तो प्रॉफिट निकालने के लिए 250 में से 100 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा, 150 बटा सी पी कितना है हमारा, 100 है, और फिर गुना 100, यानी कितना हो जाएगा हमारा, 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, यानी हमारा आंसर कितना आएगा, 150% हमारा दोस्तों आंसर आ गया। तो दोस्तों ऐसा प्रश्न बहुत बार एग्जाम में देखने को आपको मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये प्रश्न भी आपको समझ में आएगा, कौन सा ऑप्शन आपका आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो गया। तो दोस्तों आइए हम लोग अब क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन इस सेशन में करने जा रहे हैं, जो कि दोस्तों क्वेश्चन 145 है। फ्रेंड्स, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, तो फिर से दोस्तों आपको 30 सेकंड समय देते हैं, प्रयास कीजिए बनाने का। दोस्तों ये प्रश्न बहुत ही आसान है और ये प्रश्न हमारा एसएससी सीएचएसएल डीओ एनएलसी 2018 में पूछा चुका है। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी बनाएं प्रश्न को, यकीन माने दोस्तों बहुत ही आसान प्रश्न है।
तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं दोस्तों। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को रुपीज 1500 में खरीदी और लागत मूल्य से 25% अधिक पर उसे बेच दिया। यदि उसे इस पर रुपीज 75 कर के रूप में देना पड़ा है तो उसके निवल लाभ यानी आपको क्या निकालना है, नेट प्रॉफिट निकालना है, कितना परसेंट का एक्चुअल लाभ है। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग बनाते हैं इस प्रश्न को। तो एक व्यक्ति ने दोस्तों एक वस्तु को 1500 रुपया में खरीदा, यानी कॉस्ट प्राइस कितना हो गया हमारा, तो 1500 रुपया हो गया। तो उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों कि आपको दिख रहा होगा 1500 रुपया हो गया, और लागत मूल्य से 25% में बेच दिया। यानी अगर हमें सेलिंग प्राइस निकालना होगा तो हमें क्या निकालना होगा, 125% वैल्यू, क्योंकि 25% तो लाभ है। अगर लाभ क्या होता है, 25% लाभ है, अगर 100 ऐड कर देते हैं तो हमारा क्या निकल गया, सेलिंग प्राइस निकल कर आ जाएगा। तो 125% तो परसेंट से 2 कैंसिल हो गया, यानी 125 में अगर 1500 हम अप्लाई करते हैं तो 25, 5, 2, 5, 10, 12, 2, 6 हो गया, फिर 5, 2, 1 यानी 5, 7, 8, 1 यानी कितना आ गया, 1875 रुपया दोस्तों हमारा क्या गया, सेलिंग प्राइस आ गया। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 75 रुपया वो टैक्स में दिया है, कितना रुपया दिया है, 75 रुपया वो टैक्स इसका इंक्लूड है। तो हमें नेट प्रॉफिट चाहिए, तो अगर दोस्तों हमें एक्चुअल प्रॉफिट चाहिए तो कैसे निकालेंगे, तो 1875 में हम लोग 75 रुपया माइनस कर देंगे, यानी एक्चुअल हमारा प्रॉफिट है वो कितना का हो रहा है, तो ये हमारा सेलिंग प्राइस निकल के एक्चुअल वो 1800 है। तो प्रॉफिट कितना का हो रहा है एक्चुअल दोस्तों, 1500 में खरीद रहे हैं, 1800 में बेच रहे हैं, यानी 300 रुपये का दोस्तों प्रॉफिट हो रहा है। हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट बटा सीपी गुना 100। प्रॉफिट कितना का है एक्चुअल, 300 का है, और हमारा जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, तो 1500 है। तो 300 बटा 1500 और गुना 100 सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, फिर 1500 से 300 कितना बार में, 20 बार में, यानी हमारा प्रॉफिट परसेंट कितना निकल के आया दोस्तों, तो 20% दोस्तों हमारा प्रॉफिट परसेंट निकल के आ गया है। तो कौन सा आपका ऑप्शन आंसर हुआ दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका है जो बी है, जो आपका राइट आंसर है। कौन सा ऑप्शन दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर आपका बी है जो राइट आंसर है, बी, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन जो कि प्रॉफिट एंड लॉस पे है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि जो भी आज प्रश्न किए हैं ये आपको समझ में आएगा, और दोस्तों ऐसा ही प्रश्न आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। तो यदि सेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर फेसबुक पेज में तो पेज को भी फॉलो कर लें। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए सेशन में और भी अच्छे प्रश्नों को लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम।